नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में और हमारी खास सीरीज रमज़ान के मौके पर, जिस तरह से नेशनल इंडिया न्यूज़ लगातार कवरेज कर रहा है और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। हमने लास्ट स्टोरी जामा मस्जिद पर की थी कि वहाँ पर किस तरह से रमज़ान जो है इफ्तारी की जाती है, और अब इसके साथ ही हम एक फैमिली के साथ आपको जो है आपसे रूबरू कराते हैं कि फैमिली में किस तरीके से इफ्तारी की जाती है, क्या क्या रमज़ान के और रोज़े का क्या महत्व होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। आज हम एक फैमिली के साथ में इफ्तारी का पूरा कार्यक्रम देखते हैं और आपको भी जो है पूरा उस कार्यक्रम से रूबरू कराते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे तो काफ़ी अच्छे बीत रहे हैं इस बार के रोज़े, क्योंकि मैं घर वर का काम वाम नहीं करती। मेरी बड़ी बहन आई भी है, वही कर रही है सारा काम। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप जो पूरा नज़ारा देख रहे होंगे उससे आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे जिस तरीके से ये रमज़ान का महीना चल रहा है। और मुस्लिम समाज में रमज़ान का एक बेहद ख़ास महत्व माना जाता है। तो हम यहाँ पर आए हैं, हमारी मित्र हैं फरीन, उनके घर पे आए हैं हम, और पूरा जो है किस तरीके से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरा जो माहौल है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के ज़्यादातर ये तरबूज जो मौसमी फल होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ये पपीता हो गया, बनाना हो गए, और अभी तरबूज है, अंगूर हैं, मतलब वैरायटी रहती है इस चीज़ में। वो हिम्मत मिल जाती है जब हम लोग जिसके लिए रोज़ा रख रहे हैं, जिसके पर इतना यकीन करते हैं, तो हिम्मत मिल जाती है। तो हमें खजूर से रोज़ा खोलना होता है, ये जो खजूर है ना, रिच आयरन होता है इसके अंदर, तो खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत माना जाता है। काफी उत्सुकता है। आपका क्या नाम है? तैयबा। आपका? फारिया। आपने भी रखा था रोजा? नहीं रखा था। अच्छा, और आपका क्या नाम है? अरहम। बोलो, ये गुस्से में है वो। नहीं बोल दे रहा। अरहम बोलो। मैं नहीं बोलता, दूसरों का नाम बोलता। हां, ये नहीं बोले, ये मोदी जी हो रहे हैं, मीडिया वालों से बात नहीं करते। आपका क्या नाम है? अदान। अदान, अदान जी कह रहे हैं, अभी सोच के बताएंगे हम आपको। हाँ, तो फरीन जी, आपके यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बताइए कुछ किस तरीके से रोजे चल रहे हैं? ये जो रमज़ान का महीना होता है सबसे ज़्यादा पाक महीना माना जाता है। इस रमज़ान में ना ही हम लोग झूठ बोल सकते हैं, ना ही कोई बुरा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पवित्र और पाक महीना माना जाता है। इसमें हम लोग सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम को इवनिंग तक
ना ही कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं, बस अल्लाह पाक की इबादत करते हैं और जितने भी ज़रूरी अच्छे काम होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हम लोग रोज़े रख रहे हैं उसका महत्व हम लोगों को मिल सके। जैसे अभी गर्मी का मौसम है काफ़ी, तो दिन में प्यास भी लगती होगी, तो उस सिचुएशन में आप कैसे मतलब करते हैं कोऑपरेट, और फिर खाने पीने की चीज़ों में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें, आपको जो है दिन में भूख ना लगे प्यास ना लगे। सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ, क्योंकि खाना मुझसे नहीं खाया जाता है। और सुबह ऐसा करते हैं, फिर इवनिंग में क्या होता है, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हम लोगों की जो डाइट होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हो, नींबू पानी हो, जिससे कि जो पूरा दिन का डिहाइड्रेशन है वो उसका थोड़ा सा कंप्लीट हो सके वो चीज़। और कुछ फ्राइज़ भी होते हैं जो कि हम लोगों को पसंद होते हैं तो वो खाते हैं, छोले होते हैं और कुछ मतलब अच्छा बनाते हैं, क्योंकि पूरा दिन का नहीं खाया हुआ होता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा खाने के लिए फिर मिले। और बाहर भी देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि गरीब लोगों की मदद करना सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। अपने जो भी फितरा ज़कात होता है, लोगों के लिए अगर कपड़े नहीं है तो उनको कपड़े देना हमारे लिए फ़र्ज़ होता है। अगर किसी के घर में खाने के लिए नहीं है तो उनके लिए खाने के लिए भेजना, ये हम लोगों के लिए एक बड़ा सवाब माना जाता है, मतलब एक तरह का कल्चर होता है। कहते हैं कि अगर हम लोग खाना खा रहे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो वो खाना हराम माना जाता है, हम लोगों के यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए ध्यान भी रखना पड़ता है हर चीज़ का, कि कोई ऐसी चीज़ भूल चूक ना हो जाए। और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि गरीबों की मदद करना बहुत बड़ा धर्म होता है एक तरह से। ईद का माहौल तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब जब लास्ट रमज़ान होता है तो पूरी रात नहीं सोते हैं हम लोग, ईद की ही तैयारी करते हैं कि क्या बनाना है, क्या खाना है, सिमैये बनती हैं। उस टाइम पे भी होता है कि हम दूध छुआरों से मतलब अपना रोज़ा खोलते हैं, मतलब उस तरह से हम लोग जो है ना उससे पहले ना ही कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, सिर्फ जो दूध छुआ रहे हैं उसी उसको खाने के बाद कुछ खाते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध छुआरों पे, फिर सिमैये पर बनती हैं, शकराना बनता है, और अब ऐसे और कोई चीज़ बना लो मगर ये खास चीज़ है, ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत बड़ा सवाब है। रोज़ों की खुशी में ईद मनाई जाती है। आम दिनों में अगर हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, इतना सवाब नहीं मिलेगा, 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है इस चीज़ का। हाँ, और जितनी भी अफ्तियारी हम सब रखेंगे, जितना सामान ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा देर इंतज़ार करेंगे, उतना बड़ा सवाब है। तो कई सारी चीज़ें देखो यहाँ पर भी, जिस तरह से हमने दिखा है, यहाँ पर छोले रहे हैं और फ्रूट हैं बहुत सारे, और हमारे लिए भी है यहाँ पर चीज़ें हैं रखी हुई, खजूर हैं और कचौड़ी मतलब पकौड़े हैं मुझे लगता है, हाँ, अंडों की, आलू की, शिकंजी है, बहुत सारी चीज़ें। फरीन, एक मेरा सवाल आपसे ये आखिरी, जो माहौल है अभी आप देख रही हैं, किस तरीके से तमाम सारे मुद्दे हमने देखे रमज़ान के महीने में, एक उपद्रव सा मचाया गया, इस तरह की खबरें वीडियोज आप देखते होंगे, कहीं मस्जिद पर भगवा झंडा लगा दिया जाता है, तो कैसा मतलब प्रभाव, कैसा असर देखती हैं इन पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये जब भी मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे बस एक ही ख्याल आता है कि लोग किस तरह से एक दूसरे के मन में नफ़रत फैला रहे हैं। धर्म होता है वो इंसानियत के ऊपर टिका होता है, नफ़रत करना नहीं सिखाता है, एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, लेकिन लोग उस चीज़ को छोड़कर लोग ये ब्लेम करने लगते हैं कि तुम बुरे हो। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमने इस व्लॉग में आपको दिखाई, और हम जो है फरीन जी के घर पर हैं और तैयारी की जा रही है, तमाम छोटे छोटे बहुत प्यारे क्यूट से बच्चे हैं, है ना, शर्मा रहे हैं हमें देख करके, और किस तरीके का खुशनुमा माहौल है वो भी आपने इस वीडियो में देखा होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई वीडियोस में। इस वीडियोस में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप कैसा फील करते हैं, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सहयोगी सरवन के साथ सुशील कुमार, दिल्ली।